क्लास नाइन्थ, चैप्टर नेम लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम डिस्कस करेंगे. इफ सी डी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, देन मैयर ओ ए डिस्टेंस इज इक्वल टू वट एंड मैयर ए क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू वट. यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जो आपको लाइन सी डी नज़र आ रही है, ये इस लाइन सेगमेंट ए बी का राइट बाई सेक्टर है, तो आपने बताना है कि फिर मेयरमेंट जो ओ से क्यू होगी वो किसके बराबर आनी चाहिए, यानी इस डायग्राम को यूज़ करते हुए. देखिए, राइट बाई सेक्टर की डेफिनेशन हम जानते हैं कि राइट बाई सेक्टर के अंदर दो बातें आती हैं, यानी राइट बाई सेक्टर जो होती है वो लाइन सेगमेंट का जो राइट बाई सेक्टर होता है उसके एक तो मिड पॉइंट से पास करता है, और दूसरी बात ये कि जो जिस पॉइंट यानी मिड पॉइंट से जहाँ से वो पास कर रहा होता है उस मिड पॉइंट पे वो 90 का एंगल भी बना रहा होता है. ठीक है, यानी यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है. तो यहाँ से पता ये चला कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ओ का जितना फासला ए से होगा उतना ही ओ से बी तक का फासला है. ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैयर ओ ए डिस्टेंस इज इक्वल टू मैयरमेंट ऑफ ओ बी डिस्टेंस. ठीक है जी, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई. और इसी तरीके से मैयरमेंट ऑफ ए क्यू, अब ए क्यू जो है, क्यू बेसिकली इसी राइट बाई सेक्टर का हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया है, और ये बात हमने पढ़ रखी है कि जो राइट बाई सेक्टर का कोई भी पॉइंट है उसका फासला जो लाइन सेगमेंट है जिसका, क्योंकि जिसकी लाइन सेगमेंट का ये राइट बाई सेक्टर है उसके एंड पॉइंट से इसके हर पॉइंट का, इस राइट बाई सेक्टर के हर पॉइंट का फासला बराबर आता है, यानी क्यू का फासला ए से जितना होगा उतना ही क्यू का फासला बी से होगा. तो ए क्यू जो है वो इक्वल टू आ जाएगा बी क्यू के मेयरमेंट के बराबर, डिस्टेंस के बराबर. ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो हम यहाँ पर इनके आंसर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 है जी, जिसमें लिखा हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग. हमें इन दोनों पार्ट्स के आंसर करने हैं, डिफाइन करना है इन्हें. पहला पार्ट है बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, और दूसरा है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. तो दोनों को हम एक एक करके डिफाइन करते हैं, और साथ में इनकी मैं डायग्राम भी आपसे शेयर कर देता हूँ. तो फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं जी कि बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इसके लिए हम ये कहेंगे कि अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट. जबकि दूसरी जो डेफिनेशन है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अगर हम उसको डिफाइन करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि अ रे डैट बाइसेक्ट एन एंगल इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल. यानी कि लाइन सेगमेंट के लिए बाइसेक्टर, हमने कहा कि एक ऐसी लाइन जो कि लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास कर रही हो उसे हम बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और ये उसका मिड पॉइंट है सी. अब एक और लाइन, मतलब ये तो लाइन सेगमेंट थी, एक और लाइन जो कि सी पॉइंट से पास करे, अब एंगल जो मर्जी बना ले, ठीक है, 90 का बनाती है तो राइट बाई सेक्टर होगी वो लाइन. लेकिन अगर कोई भी अदर देन 90 डिग्री एंगल बनाते हुए वो मिड पॉइंट से पास होती हुई लाइन जो है, लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट से पास होती हुई गुजरती है, तो हम कहते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन है, सॉरी, ये लाइन जो है ये क्या है, बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट है. इसी तरह अरे डैट बाई सेक्ट एन एंगल इस कॉल्ड बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल. एक एंगल अगर हम कोई बना लेते हैं यहाँ पे, ये देखें जी, ये दो रेज हैं जिनका एक कॉमन वर्टेक्स है, इसको हम ओ पॉइंट कह लेते हैं. एक रे ओ ए है और एक रे ओ बी है, और इन दोनों रेज का ये कॉमन पॉइंट है. दोनों नॉन कोलिनियर रेज हैं, ठीक है, और मतलब कि नॉन कोलिनियर मीन्स के दोनों एक लाइन के ऊपर नहीं लाई करती. और अगर ओ पॉइंट से मैं एक ऐसी रे ड्रॉ करता हूँ जो इस जो रोटेशन आई है इन दोनों आर्म्स में, ओ ए और ओ बी में, बराबर उनको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, तो जैसे ये अगर वन रोटेशन है और ये टू, अगर ये बराबर बराबर कर देती है, तो इस रे जो ओ एम है इसे हम बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी कहेंगे. ठीक है, तो इसी के से बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का जो कंसेप्ट है वो भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, इसको डिस्कस करते हैं. इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द गिवन ट्राइंगल ए बी सी, जो कि आपको नज़र आ रही है, इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि इसके तीनों साइड्स बराबर हों, एंड ए डी, जो आपको ये लाइन सेगमेंट ए डी नज़र आ रही है, इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी ये एक एंगल ए के दो बराबर हिस्सों में अगर डिवाइड कर रही हो, यानी जितना ये एंगल एक्स है उतना ही एंगल वाई हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स, यानी एक्स की, वाई की, जी की आपने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जैसे कि बताया गया है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं
कि ट्राइंगल जो ए बी सी है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्वी लेटरल ट्राइंगल, ठीक है जी। तो अब इसके तीनों साइड्स अगर बराबर हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो मैयर एंगल ए है वो बराबर होगा मैयर एंगल बी के, और वो बराबर होगा मैयर एंगल सी के, यानी चूंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, इसका मतलब कि तीनों की मेयरमेंट आपस में बराबर, और ऐसे तीन नंबर जिन जो बराबर भी हों और उनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो तो वो 60 ही होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों की मेयरमेंट 60 60 60 डिग्री की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो जी अननोन है, चूँकि हमें बी एंगल का पता चल गया है, तो ये जो जी एंगल है ये इक्वल टू 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक आंसर हमें पता चल गया। अब दो अननोन जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखें, उनके लिए हमें ये पता है कि ए डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है। यानी ये जो आपको ए डी लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए के दो बराबर हिस्से कर रही है, यानी एक्स और वाई अगर दोनों प्लस करें तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ए की मेयरमेंट बनती है। इसका मतलब कि एक्स और वाई ऊपर से बराबर भी हैं दोनों, यानी एक्स और वाई क्या है, बराबर भी हैं, गिवन है ये हमें, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर ये बात कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम इनकी वैल्यू को पुट कर लें, हम यूँ कहें कि फिर एक्स प्लस एक्स जो है वो इक्वल टू एंगल ए के बराबर है, यानी 60 डिग्री के बराबर है, और इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें हम तो हम कह सकते हैं कि 2x जो है वो बराबर है 60 डिग्री के, यानी x जो होगा वो फिर किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 के, जो कि कितना बनता है, अगर आप 60 को 2 पे डिवाइड करते तो 2 वन ज़ार 2 एंड 2 थर्टी ज़ार 60, तो यानी x जो आपके पास आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है, यानी x भी आपको पता चल गया x है 30 डिग्री, और चूंकि गिवन है x और y बराबर है तो इसका मतलब कि फिर y जो है वो भी कितना आ जाएगा, y भी इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री के। तो यहाँ से फिर हम ये जो तीनों अननोन थे x, y एंड z, उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इस तरह से है कि इन द गिवन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स एल एम ओ इज कॉन्ग्रेंट टू एल एन ओ, यानी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, फाइंड द अननोन्स x एंड m। जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें ये कहा गया है कि जो ट्राइंगल है, यहाँ पर चले कलर डिफरेंट में करता हूँ, ट्राइंगल जो है एल एम ओ जो है ये किसके साथ कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट है दूसरी जो ट्राइंगल है एल एन ओ के साथ, ठीक है। चले यहाँ पर ट्राइंगल का सिंबल भी यूज़ करते हैं, एल एन ओ के साथ कॉन्ग्रेंट है। अब आप ये बात जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनके ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होती हैं और ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो इसका मतलब कि इसकी जो साइड एल एम है ये फिर किसके साथ कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी कॉन्ग्रेंट टू एल एन के साथ, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न हम लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। एंड इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो साइड एम ओ है, जो पहली ट्राइंगल है एम ओ, ये जो दूसरी ट्राइंगल है जिसके साथ ये कॉन्ग्रेंट है, उसकी जो साइड बनती है एन ओ उसके साथ कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो फिर इनकी मेयरमेंट्स आपस में बराबर होंगी, यानी फिर हम ये रिजल्ट कह सकते हैं कि जो मेयरमेंट एल एम है डिस्टेंस की वो बराबर है डिस्टेंस एल एन के, ठीक है। और इसी तरह से जो मेयरमेंट एम ओ डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो मेयरमेंट ऑफ एन ओ डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ को इसमें दर्ज करते हैं, ठीक है। यानी एल एम जो डिस्टेंस है वो कितना बताया हुआ है, 2x प्लस 6, ठीक है, और एल एन जो डिस्टेंस है वो कितना बताया हुआ है, 18, यह आ जाएगा। अब 6 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2x किसके बराबर आ जाएगा, 18 माइनस 6 के, जो कितना बनता है, 12, यानी 2x किसके बराबर आ गया, 12 के, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एम ओ डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, स्मॉल m के, और ओ एन डिस्टेंस किसके बराबर है, 12 के। तो m की वैल्यू तो हमें पता चल गई है 12 है, और अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2x किसके बराबर आ रहा है, 2x जो है बराबर आ रहा है, स्क्रीन को थोड़ा सा मैं डाउन करता हूँ जी, यहाँ पर इस तरीके से चलें, 2x जो है वो बराबर आ रहा है 12 के, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो x बराबर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 के, और अब अगर आप कैंसिल करते हैं इनको, 2 वन ज़ार 2 एंड 2 सिक्स ज़ार 12, तो पता चलता है जो x है इसकी वैल्यू क्या आ रही है,
6 आ रही है. तो इस तरह से हम जो ये अननोन थे m और x वो फाइंड आउट कर सकते हैं. इनकी वैल्यूज, m की वैल्यू आ रही है 12 और x की वैल्यू आ रही है 6, तो वो हमने यहाँ पर लिख ली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसे सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये सी डी इज राइट बाई सेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी. ये जो लाइन सेगमेंट ए बी आपको नजर आ रही है, सी डी जो है इसका राइट बाई सेक्टर है इस लाइन सेगमेंट के. यानी कि एल जो होगा फिर ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, और एल पे अगर आप एंगल देखें तो ये जो लाइन सी डी है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी. ठीक है, यानी यहाँ पर मैं इस तरह से अगर शो करूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा. ठीक है, अब आपसे वो ये कह रहे हैं पहले पार्ट में, पहले पार्ट के सॉल्यूशन के हवाले से मैं बात करूँ कि ए बी की अगर लेंथ जो है, ए से बी जो लेंथ है अगर वो 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो आपने ये बताना है कि जो ए से एल डिस्टेंस है और एल से जो बी डिस्टेंस है वो क्या होगा. ठीक है, अब आप ये देखें कि ए एल डिस्टेंस और बी एल डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, ये मेयरमेंट्स में आपस में क्या हैं, बराबर हैं. ठीक है जी, और इन दोनों को अगर सम किया जाए तो ये किसके बराबर आते हैं, ए बी के बराबर आते हैं. यानी हम यूँ कहेंगे कि ए एल और ए बी, सॉरी बी एल की मेयरमेंट्स का अगर सम किया जाए तो ये ए बी के बराबर आते हैं, मेयर ए बी या बी ए के बराबर आते हैं, और दोनों आपस में बराबर भी हैं. यानी कि टू टाइम्स ऑफ मेयर ए एल डिस्टेंस अगर आप कर लें, बी एल को भी आप ए एल के बराबर लिख दें, तो ये ए बी के बराबर, और ए बी की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है. यानी ए एल की जो लेंथ होगी वो 6 का हाफ हो जाएगी, 6/2 सेंटीमीटर. तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है, मेयर ए एल जो डिस्टेंस आता है ये इक्वल आता है 3 सेंटीमीटर का. यानी कि 6 का हाफ कर लें तो 3 आता है. तो सिमिलरली हम जो है ये कह सकते हैं कि चूंकि ए एल और बी एल आपस में बराबर हैं, तो फिर जो बी एल की लेंथ की मेयरमेंट है वो भी कितनी आ जाएगी, वो भी 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी. ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है हमने इनको फाइंड आउट कर लिया. ठीक है जी, अब जो इससे नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर बी से डी जो ये डिस्टेंस है ये अगर 4 सेंटीमीटर हो तो बताएं कि ए से डी जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना होगा. ठीक है, अब ये बात हम जानते हैं कि सी डी इज़ द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी और डी इज़ द पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी. तो डी का जितना डिस्टेंस बी तक होगा, यानी एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट से जितना फासला डी का होगा एक तरफ से, उतना ही फासला होगा दूसरी तरफ से. यानी जितना फासला बी का डी से बनता है उतना ही ए का डी से भी बनेगा. ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पर जो है वो लिख देते हैं, और इसके लिए मतलब जो इसका पार्ट 2 है उसको मैं यहाँ पर चलें इसका जो सोल्यूशन है वो आपसे यूँ शेयर कर देता हूँ कि हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल है ए एल डी, ठीक है, और अगर दूसरी जो ट्राइंगल अगर हम ले रहे हैं बी एल डी, अगर इनमें 1:1 कोरस्पॉन्डेंस ले ली जाए. ठीक है, यानी इसी डायग्राम को मैं अब कॉपी करता हूँ यहाँ पर ताकि आपको जो बात कर रहा हूँ मैं वो यहाँ पर समझा सकूँ. ठीक है, यहाँ पर चलें इसे मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इस साइड पे भी शिफ्ट करूँगा. ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ताकि आपको ये चीज़ नज़र भी आए. ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इस जगह पे. ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं. अब आप देखें इनमें क्या बात हमें समझ में आती है. हमें ये बात समझ में आ रही है कि इनमें जो ए एल डिस्टेंस है, ए एल वो कॉन्ग्रेंट है किसके, बी एल के, चूँकि एल इज़ द मिड पॉइंट. ठीक है, ये हमें अभी हमने इसके ऊपर बात की थी. फिर एंगल जो ए एल डी है, ए एल डी है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल बी एल डी के, एंगल बी एल डी के, चूंकि ये राइट बाई सेक्टर है तो एंगल 90-90 बन रहे हैं दोनों तरफ. ठीक है, और जो ये आपको डी एल, ये इस ट्राइंगल की मैं बात करूँ तो ये डी एल आपको जो साइड नज़र आ रही है दोनों ट्राइंगल्स की क्या है, कॉन्ग्रेंट, कॉमन साइड है डी एल. ठीक है, तो अब कौन सा पॉस्टुलेट अगर आप देखें अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये साइड और ये इंक्लूडेड एंगल, क्योंकि ये भी एंगल 90 का होगा. अगर ये एंगल 90 का तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा. तो हमने देखा बाई साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट जो ए एल डी ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट है दूसरी जो ट्राइंगल बी एल डी है उसके साथ. ठीक है, बाय एस ए एस पॉस्टुलेट. ठीक है जी, तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती है तो उनके ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो साइड ए डी है, इसकी जो साइड ए डी है वो किसके बराबर होगी, इसकी जो दूसरी तरफ साइड है बी डी उसके साथ मेयरमेंट में बराबर होगी. और ए डी की अगर मेयरमेंट जो है उन्होंने बताई है, या बी डी की मेयरमेंट अगर बताई है 4 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए डी की मेयरमेंट है
ए डी की जो मेजरमेंट है वो कितनी होगी, वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं।